स्वागत है आप सभी का हमारे इस एपिसोड में और मैं हूं आपकी दोस्त हिमांशी उपाध्याय। आजकल के दौर में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ये सोचे कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों, परंतु ये भी सत्य है कि कई बार बच्चे हमसे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं जो सुनने में तो बहुत सरल होते हैं, परंतु हमें उनके बारे में सही से जानकारी नहीं होती है। कहने को तो हम सभी ये मानते हैं कि हमें उम्र के साथ कई बातों का ज्ञान अपने आप होता जाता है, परंतु ये भी सत्य है कि कई ऐसी बातें हैं या कहें कई ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं होती। एक छोटा सा बच्चा जब आकाश की ओर देखता है तो उसके मन में सवाल एक ना एक बार जरूर आता है कि ये आकाश नीला क्यों है, और जाहिर सी बात है इसका ये प्रश्न सीधे तौर पर हमसे होता है जिसका हम में से कई लोगों को सही से ज्ञान नहीं होता। तो चलिए आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर एक वायुमंडल मौजूद है। ये वायुमंडल कई प्रकार के गैस, धूलकण एवं जलावाष्प से मिलकर बनता है। सूर्य से निकलने वाली किरण 7 रंगों के मिश्रण से बनी होती है। हम उन्हें विबक्योर के नाम से बुलाते हैं। वी का मतलब बैंगनी, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब नीला, वाई का मतलब पीला, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब होता है लाल। सूर्य की किरणें जब हमारे वायुमंडल से टकराती हैं, तब वो इन 7 रंग में विभाजित हो जाती है, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा नीले कलर का प्रकाश वायुमंडल में बिखर जाता है, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ये विज्ञान का बहुत ही सरल उदाहरण है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारा आकाश नीला क्यों है। अब आपके दिमाग में शायद ये प्रश्न भी आ रहा होगा कि अगर ऐसा है तो हमें अंतरिक्ष में आकाश काला क्यों दिखाई देता है। दोस्तों, इसका जवाब भी आप आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में किसी भी तरह का कोई वायुमंडल नहीं होता, इसलिए वहाँ पर सूर्य की किरणें अलग अलग रंगों में विभाजित नहीं होती, इसलिए अंतरिक्ष में हमें आकाश काला दिखाई देता है।